इस वीडियो के अंदर हम विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 96 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 26 से 27 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये कंपनी की अगर हम मेनली अगर हम बात करेंगे तो तीन वर्टिकल्स के नाम यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अगर हम पहले वर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो पहला वर्टिकल हमें यहाँ पे ईपीसी का यहाँ पे नजर आता है, तो जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट सर्विसेज होती है वो यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जैसे कि अगर हो गया, अगर कुछ मॉल्स वगैरह बनाना, इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह बनाना, और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है, लग्जरी विलाज होते हैं, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे ये ईपीसी सेगमेंट में हमें यहाँ पे वो सर्विस हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के दूसरे अगर हम वर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे वर्टिकल के अंदर कंपनी जो एग्रीगेट और जो सैंड होता है उसे कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और इसके अंडर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के टू क्वेरीज हमें यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे नजर आते हैं, जो कंपनी के खुद की और वो कंपनी हमें ऑपरेट करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की जो उनकी जो पहली मेटल माइनिंग की जो क्वेरी है वो लगभग अगर हम उनकी टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 105 एकड़ की हमें यहाँ पे टोटल वो हमें यहाँ पे उसकी टोटल फैसिलिटी हमें इतने एरिया के अंदर हमें स्प्रेड यहाँ पे नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के थर्ड अगर हम बिजनेस वर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो ड्रोन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे व्हीकल्स होते हैं वो यहाँ पे कंपनी थर्ड वर्टिकल के अंदर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन जो थर्ड वर्टिकल है वो इतना ज्यादा कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करता हुआ नजर नहीं आता है। जो मेन अगर हम कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, जो एग्रीगेट और सैंड को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कंपनी करती है, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, ये दो मेन बिजनेसेस हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी को क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे क्रेडिट दिया गया है। अगर हम किन्होंने ये क्रेडिट दिया तो देखिए, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन हो गया, फिर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर का उनको यहाँ पे क्रेडिट दिया हुआ है। फिर तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड हो गया, फिर हाईवेज डिपार्टमेंट जो, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये कि यहाँ पे जो कंपनी की सर्विसेज होती है यहाँ पे अच्छी होती है, कंपनी की क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी है, इसीलिए यहाँ पे क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर का जो यहाँ पे क्रेडिट है वो ये कंपनी को यहाँ पे दिया गया है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो देखिए, नॉर्मली वर्किंग कैपिटल मुझे नेगेटिव लगता है, लेकिन देखिए जो नॉर्मली जो रियल इस्टेट वाली कंपनीज होती है, जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट वाली कंपनीज होती है, तो यहाँ पे कैश फ्लो का काफी बड़ा मेरे ख्याल से पॉइंट रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक बार कैश अटक जाता है तो वहाँ पे रोलिंग काफी अटक जाती है, और आपका बिजनेस एक बार के लिए भले आपका बिजनेस मॉडल कितना भी अच्छा, लेकिन आपका बिजनेस वहाँ पे अटक जाता है। तो इसके अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा जरूरत रहती है। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी के जो लोन्स वगैरह है तो उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो रियल इस्टेट कंपनी होती है इनका जो लोन्स वगैरह होता है वो ज्यादा रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी अगर लोन्स वगैरह अगर क्लियर करती है तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की लॉन्गेविटी हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ ऐसा होता कि यानी कि कंपनी कोई और नया कैपेक्स यहाँ पे कर रही है, यानी कि कोई नया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर इंडस्ट्रियल पार्क कंपनी डेवलप कर रही है, तो उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहता और वो मार्केट को काफी ज्यादा एक्साइट भी करता, क्योंकि अगर कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट डालती तो वहाँ पे डेफिनेटली उससे एक एडिशनल रेवेन्यू काफी अच्छा हमें आने वाले टाइम पे ऐड होता हुआ नजर आता। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, भवानी जयप्रकाश जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 63 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और अगर हम अभी देखेंगे 133 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर कंपनी का नजर आता है, यानी कि डबल से ज्यादा कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं हमें यहाँ पे होते हुए नजर आए हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 2 करोड़ के लगभग कंपनी के नंबर नजर आते हैं, और अगर हम रिसेंटली अगर हम बात करेंगे लगभग 17 करोड़ के लगभग का जो प्रॉफिट है कंपनी ने वो यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़ा मेरे ख्याल से जो रॉ मटेरियल का प्रेशर हमें पिछले साल देखने को मिला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के मार्जिन हमें कम होते हुए नजर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 96 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 21 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और यहाँ पर अराउंड 35% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे अराउंड 20% से कम होती हुई नजर आई है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। लेकिन देखिए, ऑलरेडी 100 करोड़ से ज्यादा का बेस यहाँ पे कंपनी का बन गया है, तो यहाँ पे कोई कंपनी को अगर यहाँ से अगर अच्छे तरीके से ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह करना पड़ेगा। तो उसके अलावा यहाँ पे कोई ज्यादा एडिशनल ग्रोथ, यानी कि जो 20 से 25% की ग्रोथ होती है वो हमें यहाँ पे आती हुई नजर नहीं आएगी। एक बार के लिए भले ही यहाँ पे कंपनी अगर थोड़ा बहुत लोन्स वगैरह अगर कंपनी रीपे करेगी तो वहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगा, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपको यहाँ पे मोटा मोटी अच्छी खासी ग्रोथ अगर आपको देखनी है तो वहां पे डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स आने वाले टाइम पे करना पड़ेगा।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 4 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 68 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,36,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 50 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और लगभग 47% के लगभग का रिटेल कोटा है। तो मान के चलिए अगर 5% का मार्केट मेकर के बाद में भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 24 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और मेरे ख्याल से लगभग 1800 से 1900 के लगभग यहाँ पे टोटल हमें रिटेल के लॉट्स यहाँ पे नजर आते हैं। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता, 10 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 12 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जब कंपनी का आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है उसके लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 170 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है यानी कि लगभग 9 से 10 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए मुझे पर्टिकुलरली ये बिजनेस मॉडल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ये कंपनी कर रही है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे हमें आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा रोड मैप मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। क्योंकि देखिए अगर 133 करोड़ का रेवेन्यू अगर कंपनी को 20-25% भी अगर कंपनी को ग्रो करना है तो वहां पे डेफिनेटली लगभग 30-35 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से बात की बात है, लेकिन इतना रेवेन्यू ग्रो करने के लिए वहां पे डेफिनेटली कंपनी को कुछ नई नई चीजें यहां पे करनी पड़ेगी तभी रेवेन्यू का नंबर बढ़ेगा। तो वो चीजें मुझे लगता है यहां पे होती हुई नजर नहीं आ रही है तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और देखिए इतने ज्यादा आईपीओ हमें यहां पे आते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पे 50 करोड़ का इश्यू है जहां पे रिटेल और एचएनआई का हमें यहां पे टोटली नजर आता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लिस्टिंग के लिए तो यहाँ पे डेफिनेटली जब यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे अच्छा खासा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि जब इतने ज़्यादा आईपीओ जब हमें वहाँ पे इतने कोई ज़्यादा बायर देखने को ना मिलेंगे तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। और कंपनी भी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो कुछ इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस मॉडल नहीं है, यानी कि अगर हम पैसा नहीं डालेंगे तो हमारे कुछ रिटर्न चुक जाएंगे तो ऐसा मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा बिजनेस मॉडल अच्छा है, वैल्यूएशन हमें यहाँ पे थोड़ा सस्ता नजर आता है तो ये लिस्टिंग के बाद में हो सकता है कि यहाँ पे यानी कि एक बार के लिए जब जो पूरे आईपीओ में जब लोगों को जब आईपीओ मिल जाएगा तब वो पूरा अच्छे से सेलिंग करके जब ये एकदम नॉर्मल से हमें यहाँ पे यानी कि ये कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा आईपीओ के बाद में तब लगता है कि मेरे ख्याल से वहां पे फिर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि वहां पे यानी कि अभी 170 करोड़ की मार्केट कैप पे अगर ये कंपनी मिल रही है, अगर 10-15% अगर ये कंपनी नीचे खुल जाती है वहां पे 150 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप कंपनी का हो जाएगा तो वैल्यू बाइंग वहां पे मेरे ख्याल से ये रहेगी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे देखा जा सकता है। यानी कि लिस्टिंग के बाद अगर आपको देखना है तो मेरे ख्याल से देखना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसमें अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि मुझे लगता है कि अगर इसमें प्रीमियम पे लिस्टिंग भी होती है तो मुझे यहाँ पे 10% से ज्यादा के प्रीमियम की लिस्टिंग मुझे यहाँ पे होती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन देखिए 10% का रिस्क लेके अगर आपको 10% का रिवॉर्ड ही मिल रहा है तो मेरे ख्याल से वो रिस्क तो रिवॉर्ड काफी बेकार है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इग्नोर करने यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि विष्णु प्रिया प्रोजेक्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।